दोस्तों, हम सभी लोगों ने बचपन से भूत की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं। उनमें से कुछ सच होती है तो कुछ झूठ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूँ। अरे, ये कपड़ा बीच में कहाँ से आ गया? पहले मैं जब भी शूट कर रहा था तभी तो ये नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे भूत का साया है, भूत का साया है यहाँ पे। देखो देखो, ये डोर कैसे हिल रही है, देखो ये डोर कैसे हिल रही है। चलिए चलिए। दोस्तों, पिछली बार मैं आपको उस घटना के बारे में बताना भूल गया था, तो अभी मैं आपको इस घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार एक गांव में दो बच्चे थे जिनका नाम था अर्णव और मीत। वो एक बार स्कूल से लौट के आ रहे थे और फटफट खाना खाके वो अपने क्लासेस जाने वाले थे। तो चलिए देखते बाद में क्या होता है। थोड़े कमेंट। अर्णव और मीत स्कूल से लौट रहे थे। अब देखते हैं लौटते हुए उनके साथ क्या घटना घटी। अरे देखना, राज टीचर ने कितना पकाया, बैग नहीं है, बैग नहीं है, इतने के लिए डांटती है। क्या पागल टीचर है वो। सब लोग टीचर ऐसे ही रहते हैं, तो अपना प्रिंसिपल ने भड़का के रखा है। वापिस क्लास भी जाना यार। वो एक तो मैथ्स के टीचर, वो साड़ी पहन के आती रानी लक्ष्मी बाई, उसके लेक्चर में बहुत पकना है यार, बहुत पकना है। क्लास में स्टार्ट। इतना लेट क्यों हुआ टीचर? स्कूल से लेट छोड़ा हमको। स्टार्ट। अगली बार अगर वापस लेट आए तो घर पे भेज दूंगी। स्टार्ट। सॉरी मैम, अगली बार से जल्दी आ जाए। बैठ जाओ अभी। स्टार्ट। थैंक यू मैम। आज हम लोग बर्ड मास के वर्ड प्रॉब्लम्स चालू करने वाले हैं। क्या यार, इतना बकवास चैप्टर है, आज ही स्कूल में खत्म हो। यार वो चैप्टर भी बकवास है, तो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक एक घंटे बाद तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है, तो आप घर जा सकते हो। मजा आएगा, तो बहुत मजा आएगा। कल खेलने वाले मस्त, कल खेलने वाला ना। ओ तेरे भाई आर्यन को भी बुला, खेलने के लिए आ रहा है कल? नहीं यार, रोज पढ़ाई करते हैं। क्या रोज तो पढ़ाई करता है, फिर भी एक दिन तो टाइम निकल। क्या पूरे वीक पढ़ाई करता है यार, एक दिन तो दोस्तों के लिए। नहीं सॉरी यार। क्या बोरिंग बनना है। दोस्तों, हमने देखा कि अर्णव और मीत क्लास से लौट के सीधा घर गए और रात का खाना खा के वो सो गए। और रात को जब अर्णव की नींद खुली तो उसने ऐसा कुछ देखा कि आप चौंक जाएंगे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। रात का समय,
अर्णव और मीत सो रहे थे। उतने में अर्णव को अचानक जाग आ गई और नींद खुलते ही उसने एक परछाई अपने सामने से जाते हुए देखी। कैसे आएगी ये? नहीं, मैंने सच में देखा उसे। लगता है उसने ज्यादा डांटा है तुझे। नहीं मैं नहीं सो सकता यार, मैंने सच में देखा है। हाँ देखा है। यार भरोसा भी नहीं करता। हट यार, तो मान ही नहीं रहा। अर्णव पूरी रात उस भूतनी के ख्यालों में सोया ही नहीं। उसकी कई रातों की नींद उड़ गई और मीत ने उसकी बातों पे कभी विश्वास ही नहीं किया। इससे अर्णव डिप्रेशन में चला गया। अभी हमने देखा कि अर्णव की बातों पे मीत ने विश्वास नहीं रखा, उसकी वजह से अर्णव डिप्रेशन में गया और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब हम देखते हैं अर्णव की अवस्था। निकल जा यहाँ से, दूर हो जा। शांत शांत, मैं जा रहा हूँ, मुझे आपको तकलीफ।